हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ कर रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने भी कुछ शॉपिंग की है अपने गार्डन के रिगार्डिंग। और फिर फैमिली है प्लांट लवर्स की, तो बस मैंने कहा कि चलिए अपने फ्रेंड्स को भी इस विषय में बताऊं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स से कोकोपीट का क्या महत्व है, कोकोपीट को बहुगुणा कैसे बनाया जा सकता है और ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर कैसे बनाया जा सकता है, उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, ज़्यादा कैसे बनाया जा सकता है। जी हाँ, कोकोपीट को यानी दोगुना नहीं तिगुना चौगुना फायदा कैसे लिया जा सकता है कोकोपीट से, इसी टॉपिक पर होने वाली आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, से मेरे सभी सम्मानीय दोस्तों को नमस्कार, सुनीता शर्मा का। जी चलिए, फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ये मैं कोकोपीट लेकर के आई हूं। न्यू गार्डनर्स अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो उन्हें बता दें कि कोकोपीट पौधों के लिए बहुत उपयोगी है, फुल न्यूट्रेट। जी हाँ, न्यूट्रिशन देने का तो काम करती ही करती है, साथ ही पौधों की ग्रोथ के लिए। खासतौर से जब हम कोई कटिंग लगाते हैं तो उसके अंदर रूटिंग्स बहुत जल्दी डेवलप होती है इसमें, क्योंकि एरेशन अच्छा होता है, मिट्टी हल्की होती है, मिट्टी पोरस होती है, तो बस ऑटोमेटिक ही रूट्स बहुत जल्दी निकलती हैं और साथ ही न्यूट्रिशन भी पौधों को मिलता है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, से हम लेकर के आए आज ये कोकोपीट। तो मैंने कहा चलिए कोकोपीट की वैल्यूज भी बता दिए जाएं कि कोकोपीट कैसे उपयोगी है। फिर दूसरी बात एक ये भी है फ्रेंड्स से कि कई लोग सिटी के अंदर रहते हैं जहाँ मिट्टी की कमी होती है, तो उनके लिए कोकोपीट एक बहुत अच्छा विकल्प रहता है। तो मिट्टी की भी कहीं अच्छी मिट्टी मिले इस ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोकोपीट तो अगर आप ऑनलाइन भी चाहेंगे तो मिल जाएगी, और अगर आप पास की किसी दुकान से जा करके जी जो गार्डन का सामान रखता होगा वहां से भी लेंगे तो कोकोपीट मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कोकोपीट बहुत उपयोगी है। हाँ, आप भी और अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं आप तो फिर तो कहने ही क्या, छत पर हम कोई पहाड़ तो लगाने वाले नहीं जी। इतनी कोई मिट्टियों की, ये मानिए कि मिट्टी बहुत ज़्यादा भर भर करके गमलों में कंटेनर में हम डालने वाले नहीं, इससे छत पर भी वजन बढ़ता है और साथ ही साथ में जो है अगर गर्मियां हैं तो मिट्टी भी जल्दी सूख जाती है। तो इस तरह से कोकोपीट का एक और काम है वाटर होल्डिंग का। जी कई बार पानी जैसे पौधों को पिलाते हैं और जो है सुबह पिलाया गर्मियों में और शाम को जाकर के देखते हैं तो पौधे सूख जाते हैं, गर्मियों में पौधे मर जाते हैं। तो इस तरह से भी ये कोकोपीट बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। और मैं ये कहूँ कि संपूर्ण रूप से देखा जाए तो कोकोपीट एक गार्डनर को जरूर अपने गार्डन के अंदर शामिल करना चाहिए अपने गार्डन के काम में। तो चलिए, ये तो हुई बात है आज कोकोपीट की। अब कोकोपीट को और ज़्यादा बहुगुणा कैसे बनाया जाए। जी आप सब जानते होंगे कि कोकोपीट इस तरह से बनती है। जी ये होता दरअसल नारियल के ही बुरादा है। जी मैं घर पर भी कोकोपीट बनाती हूँ, वो कोकोपीट मैं कैसे बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। फिलहाल चलिए मार्केट से लाई हुई कोकोपीट को मैं कैसे उपयोग करूँगी और कैसे उसका न्यूट्रिशन बढ़ाऊँगी और कैसे इतना उपयोगी बनाऊँगी कि वो पौधों के लिए और ज़्यादा अच्छा काम कर सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए फ्रेंड से एंड तक देखिए। और तो हम बात कर रहे थे कोकोपीट की। देखिए कोकोपीट को मैंने भिगो लिया है जी। अब मेरे पास में ये ब्रिक्स के रूप में आता है मार्केट के अंदर, खुला भी मिल जाएगा आपको, ब्रिक्स के रूप में भी मिलेगा, लेकिन मैं शुद्धि के हिसाब से मैं ब्रिक्स के रूप में ही लाना चाहती हूँ ताकि कंपनी का मुझे कोकोपीट मिले। कहीं लकड़ी का बुरादा, आजकल मिलावट हर चीज़ में हो रही है, तो कहीं लकड़ी का बुरादा कोई शॉपकीपर ना पकड़ा दे, इसलिए मैं ब्रिक्स के रूप में लेकर के आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने उसको खोल लिया है और खोल करके उसको भिगो लिया है, भिगोया जी हाँ। जस्ट डबल पानी डाला, जैसे एक किलो कोकोपीट है तो उसमें 2 लीटर या 3 लीटर में पानी अच्छी तरह से उसको डाल लिया। डालने के बाद देखिए उसको फिर अलग किया जी, क्योंकि जानते हैं हम कि नारियल, नारियल कहाँ उगते हैं, समुद्र के पास। समुद्र के पास का पानी कैसा होता है, खारा। और खारा पानी अगर हम अपने पौधों को पिलाएंगे या खारी मिट्टी के अंदर अगर हम अपने पौधों को लगाएंगे तो वो सही नहीं है। सब पौधे इसमें
अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए को धो लेना चाहिए जी। आप चाहे तो उतनी कोकोपीट को धो सकते हैं जितनी कि आपको काम में लेनी है, इस तरह से उसको निकाल लीजिए, टूट भी जाती है तोड़ भी लीजिए, या इस तरह से निकाल करके आप उसको वॉश कर लीजिए। तो कोकोपीट ज़रूर आपको वॉश करके काम में लेनी चाहिए। मैं केवल अभी आधी ही कोकोपीट काम में लूँगी और इसलिए इतना ही मैं वॉश करूँगी जितना कि मुझे काम में लेना है, बाकी नहीं तो आप इकट्ठा भी इसको कर सकते हैं। देखिए कितना वाटर होल्ड हो गया इसमें, यानी तिगुना चौगुना पानी डाल करके आप इसको वॉश कीजिए। और वो क्यों वॉश करनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। वॉश करना कोकोपीट को काम में लेने से पहले बहुत ज़रूरी है। उसका मेन कारण यही रहता है कि कोकोनट जो है समुद्र के किनारे उगते हैं जी, और वहाँ का पानी होता खारा, तो वही कोकोपीट के अंदर भी खारा पानी आ जाता है। तो इस तरह से खारे पानी को अगर हम अपने पौधों में डायरेक्ट डालेंगे तो सभी पौधों के लिए वो उपयोगी नहीं होगा। एक तो ये बड़ी बात है कि इसलिए आप अपनी कोकोपीट को ज़रूर वॉश किया करें। इस तरह की छलनी से ये छन जाता है, छान लीजिए और फिर काम में लीजिए। फिर दूसरे धूल मिट्टी के कण भी साफ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स कोकोपीट के लिए ये दिया गया आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही कोकोपीट को अपनी गार्डनिंग में शामिल कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी हाँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स कोकोपीट कैसे बनाई जाती है ये बात करेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।